एनटी में यूपी के दिलशाद हुसैन का जलवा, जिनके कलश को मोदी ने पहुंचाया जर्मनी। अब G20 में कला दिखाने का मिल गया मौका। कौन है दिलशाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद? सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भले ही मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता हो, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी किसी समुदाय के साथ जाति, धर्म या मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। तभी तो उनकी सरकार के राज में यूपी के मुरादाबाद जैसे छोटे से जिले से आने वाले दिलशाद हुसैन जैसे कारीगर को भी उनकी कारीगरी का पूरा सम्मान मिलता है। इसलिए एक तरफ जहां उन्हें इसी साल पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान से नवाजा गया, तो वहीं अब G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए मोदी सरकार की ओर से न्योता भेजा गया है। दरअसल पीतल नगरी मुरादाबाद की गलियों में रहने वाले दिलशाद हुसैन पिछले कई पुश्तों से पीतल पर अपने हाथों से नक्काशी का काम कर उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उनकी इस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मोदी सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है, जिसकी वजह से उन्हें भी प्रगति मैदान में चल रहे G20 क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाने का बड़ा मौका मिला है। क्योंकि इस स्टॉल के जरिए शिल्पकार दिलशाद हुसैन G20 में शामिल देशों से आए मेहमानों को अपनी कला से रूबरू कराएंगे। इतना बड़ा मौका पाने वाले दिलशाद हुसैन ने इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया, हमने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक स्टॉल लगाया था, जहां पीएम नरेंद्र मोदी हमारे स्टॉल पर आए और उन्हें हमारे स्टॉल की चीजें बेहद पसंद आई थी। इंदिरा गांधी स्थान जो है लखनऊ के अंदर, वहां पर हमारी स्टॉल लग रही थी। हमारे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए और हमारे स्टॉल पर जो आइटम रखे थे वो देखे, अच्छे से बहुत अच्छे लगे, उन्हें पसंद करे, बोले आपकी कला अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हम अपने घर आ गए, स्टॉल जब पूरी और टाइम हो गया तो हमारे पास 3 दिन के बाद फोन आता है कि आपके स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था, तो बोले आप वो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, वो पसंद आ गया है और वो आपका मटका जो है जर्मन लेके जाएंगे और वहाँ गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा साहब तो बड़ी खुशी की बात है, और बोले इसके साथ में बिल भी भेज देना। तो मैंने कहा साहब बिल तो नहीं भेजेंगे, अब हम आपने कहा गिफ्ट देने जा रहे हैं तो हमारी तरफ से भारत को ये गिफ्ट है, ये मैंने इस तरह से उनसे कहा। लेकिन हमारे मोहल्ले में, आर्टिजनों में और हमारे घर में खुशी की लहर डहर गई कि आज हमारी कला जर्मन जा रही है और वो भी प्रधानमंत्री जी लेके जा रहा है। दिलशाद हुसैन की कला नरेंद्र मोदी को इतनी भा गई कि उन्होंने उनके हाथों से बनाए गए मटके को जर्मनी ले जाने के लिए मांग लिया और साथ में बिल भेजने को भी कह दिया। लेकिन दिलशाद हुसैन ने बिल देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि यह कलश भारत की ओर से जर्मन चांसलर को तोहफे में दिया जाना था। इसलिए दिलशाद हुसैन ने अपने हाथों से तैयार किए गए कलश को बिना कोई पैसा लिए भारत को तोहफे में दे दिया, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपने हाथों से जर्मन चांसलर को तोहफे में दिया। इस तरह से दिलशाद हुसैन की कला पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए G7 समिट तक पहुंची और आज G20 के समिट के दौरान मोदी सरकार ने उन्हें अपना स्टॉल लगाने का बड़ा मौका दिया। आपको बता दें कि 79 साल के दिलशाद हुसैन मुरादाबाद के मकबरा दोयम कैथ वाली मस्जिद गली में रहते हैं। उनके हाथ की कारीगरी कमाल की है। उन्हें अब तक पद्मश्री पुरस्कार के साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। इतना ही नहीं, दिलशाद हुसैन को शिल्प गुरु का खिताब भी मिल चुका है। बहरहाल एक दिग्गज कलाकार को अब जिस तरह से G20 में स्टॉल लगाने का मौका दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।